Hi everyone, I'm Ankita and welcome back to my channel. So today I'm going to talk about a topic which is a very simple yet very important topic right now. That is sleep. Because काफ़ी लोगों के आजकल messages आते हैं कि how do you stay motivated to sleep early, wake up early. And हम लोग रात को सोते हैं but नींद नहीं आती है properly. रात को सोते हैं तो बीच में जग जाते हैं. और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि हम रात को जल्दी सो जाते हैं तो अगले दिन पूरा ड्राउजी सा रहता है, बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है. एंड इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस थे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वॉज कि हाउ डू यू डू दैट. आप कैसे रात को इतना जल्दी सो सकते हो, सुबह इतना जल्दी उठ सकते हो. सो आई बिलीव दैट मैनी पीपल आर स्टिल स्टक एट द हाउ बिकॉज दे डोंट नो द वाई बिहाइंड दैट थिंग. एंड इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर सम डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्लीप, जिससे कि आपको पता चले कि स्लीप होता क्या है, स्लीप क्यों ज़रूरी है, जब हम स्लीप करते हैं तो तब हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही होती है. एंड द बेस्ट थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल गाइज इज़ अ 5 डेज चैलेंज आई एम गिविंग एट द एंड ऑफ द वीडियो. इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी करने के लिए एंड वो आपको 5 डेज तक स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, जिससे कि आपकी स्लीप साइकिल भी इंप्रूव होगी, आपकी हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव होगी. एंड आई कैन गारंटी यू इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स फॉर एटलीस्ट 5 डेज, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू सी एन अमेजिंग चेंज इन योर लाइफस्टाइल एंड योर हेल्थ. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज स्लीप? स्लीप होता क्या है? एंड वी ऑल नो दैट स्लीप इज जस्ट अ स्टेट वेयर आवर बॉडी इज लीस्ट टू निल अवेयर अबाउट द सराउंडिंग्स एंड द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई. व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्लीप? I mean, what goes inside your body when you sleep? Obviously, your body is not very much responsive to the environmental stimuli, but you know what? It is the same time when your body internally works at its best. Yes, sleep is the best natural caretaker for your body. Your each and every cell gets recovered at its best when you're sleeping. Why sleep is so much required? I mean, हम देखते हैं आसपास हर कोई आजकल sleep के ऊपर काफी stress कर रहा है. ऐसा क्यों? सो द फर्स्ट रीज़न इज़ कि जब आप कुछ भी काम करते हो या वर्कआउट करते हो या आप नॉर्मली कुछ भी ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप एक तरह से अपनी बॉडी पे कुछ स्ट्रेस डालते हो. एंड उस स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है. बिकॉज जब आप रेस्ट नहीं करते हो या स्ट्रेस आपकी बॉडी पर ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड इन योर बॉडी बट इन अ वेरी बैलेंस्ड क्वान्टिटी. Because the whole universe and our body, everything works based on balance. So, आप जितना भी stress दे रहे हो अपनी body को, in fact, especially अगर आप अच्छा workout कर रहे हो रोज़, आप hard work कर रहे हो and you are just walking or you are just doing something which is actually putting some stress on your body, then trust me, you need to get a proper sleep because you need to balance that cortisol level in your body. Because increased cortisol can cause many problems, many health problems in your body. Also one more thing, that sleep actually helps to reduce inflammation. अगर आपको inflammation के बारे में नहीं पता है तो please go and just google it or search it on YouTube because you can find it anywhere. अभी मैं उसके बारे में डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करूँगी बट अगर आप चाहते हो तो मैं उसके बारे में भी डिटेल में एक वीडियो बना सकती हूँ अलग से. सो बेसिकली आजकल मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेमेशन एंड वी ऑल आर जस्ट अनअवेयर अबाउट इट बिकॉज इन्फ्लेमेशन बहुत सारी चीज़ों का रीज़न हो सकता है. इनफैक्ट अगर आपको छोटे मोटे पिंपल्स भी हो रहे हैं, एक्ने हो रही है, PCOD है आपको, डायबिटीज़ है, बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती हैं. एंड स्लीप इज़ द बेस्ट क्योर फॉर इन्फ्लेमेशन. एंड इन्फ्लेमेशन इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड बाई अ बॉडी इन अ वेरी बैलेंस्ड एंड माइल्ड क्वान्टिटी. हाउ मच स्लीप इज़ रिक्वायर्ड? सो बेसिकली अभी मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम तो 9-10 घंटे भी सोते हैं, 10-11 घंटे भी सोते हैं एंड स्टिल वी आर नॉट फीलिंग गुड, कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ ना कुछ डिजीज़ होती है. देन लेट मी टेल यू दैट मोर ऑफ द स्लीप कैन ऑल्सो कॉज इन्फ्लेमेशन. द मोर द स्लीप यू आर हैविंग द मोर इन्फ्लेमेशन कैन अकर इन योर बॉडी एंड द लेस स्लीप यू आर हैविंग कैन ऑल्सो इंक्रीज द इन्फ्लेमेशन. सो बेसिकली अगेन यू जस्ट नीड सम बैलेंस इन योर स्लीप. दैट इज यू जस्ट नीड 6-8 hours ऑफ स्लीप डेली ऑन अ प्रॉपर टाइम एंड अ डीप एंड प्रॉपर स्लीप सो दैट द इन्फ्लेमेशन कुड बी मेंटेन्ड इन योर बॉडी इन अ बैलेंस्ड मैनर. सो एज आई सेड दैट दिस होल यूनिवर्स एंड द ह्यूमन बॉडी एवरीथिंग वर्क्स ऑन बैलेंस एंड इन्फ्लेमेशन भी आपको चाहिए बट बहुत ही माइल्ड क्वान्टिटी में एंड बहुत बैलेंस्ड क्वान्टिटी में. इसलिए आपकी स्लीप भी ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा कम, बट या एटलीस्ट 6-8 hours ऑफ स्लीप एंड अ प्रॉपर स्लीप. वेन टू स्लीप?
काफ़ी लोगों को अभी समझ नहीं आता है कि क्यों कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सो लेट मी टेल यू दैट आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉक्स, दैट इज एक्सटर्नल क्लॉक एंड इंटरनल क्लॉक। वी नीड टू कीप दैट इंटरनल क्लॉक इन सिंक बेस्ड ऑन आवर सर्कैडियन रिदम। यस, जैसे कि एक हमारे एक्सटर्नल क्लॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग योर फोन, योर क्लॉक्स, एंड सडनली इट गेट्स लॉस्ट, यू नो, सब कुछ गायब हो जाता है, देन ऑब्वियसली आपकी डेली लाइफ में बहुत क्योज मच जाएगी। देर विल बी नो स्केड्यूल टू डू एनी थिंग एंड यू नो द कंडीशन विल बी वेरी ट्रबलसम। सिमिलरली इट गोज विद योर इंटरनल क्लॉक विच एक्चुअली नीड्स टू वर्क विद द यूनिवर्सल क्लॉक आउट देयर। दैट्स वाई यू नीड टू स्लीप विद द मून एंड वेक अप विद द सन। सो बेसिकली अवर सर्कैडियन रिदम इज ऑल कंट्रोल्ड बाई दिस यूनिवर्स एंड द यूनिवर्सल लाइट। हमारी स्लीप साइकिल यूनिवर्सल लाइट के हिसाब से चलती है एंड वॉट वी आर डूइंग एज ह्यूमंस इज वी आर एब्यूजिंग इट। हम रात को आर्टिफिशियल लाइट्स, ट्यूब लाइट्स जला के बैठे होते हैं, रात भर जग रहे होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। आवर बॉडी इज मेड टू वेक अप विद द सनलाइट एंड स्लीप विद द मून लाइट। एंड यू नो वॉट, वेन वी एक्चुअली एब्यूज द फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, वी सफर फ्रॉम डिस्कम्फर्ट एंड मैनी डिफरेंट डिजीजेस। एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन टू आर लाइफ स्टाइल एंड इन टू सिंपलर थिंग्स, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। बट यू नो वॉट, नथिंग इज गोइंग टू वर्क जब तक आपकी बॉडी फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से नहीं चल रही है, आपकी स्लीपिंग साइकिल प्रॉपर नहीं है, आपका रेस्ट टाइम प्रॉपर नहीं है, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एंड नाउ हियर इज द चैलेंज टाइम। सो बेसिकली मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी जो आपको 5 डेज के लिए रेगुलरली फॉलो करनी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करोगे, यू विल सी एन अमेजिंग चेंज इन योर लाइफ स्टाइल एंड योर स्लीप साइकिल बोथ। सो द फर्स्ट थिंग वॉट यू हैव टू डू इज ट्राई टू हैव योर डिनर अर्ली। येस, ट्राई टू हैव योर डिनर बिफोर सनसेट और एटलीस्ट इन 1 आवर ऑफ सनसेट। एंड आई बिलीव दैट ये करना ज़्यादा टफ नहीं होगा अभी लॉकडाउन में, बिकॉज आप घर पर हो, यू आर नॉट गोइंग फॉर योर वर्क प्लेस, सो यू जस्ट एट होम एंड यू कैन हैव इट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज सेट अ बेड टाइम। अगर आप अभी तक ऐसे इंसान हो जो अभी तक 2 बजे सो रहा है, 3 बजे सो रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एकदम से सब कुछ छोड़ के 9-10 बजे सोने लग जाओ। आई नो इट इज़ अ बिट टफ। वॉट यू हैव टू डू इज़ कि उसको 1 या 2 घंटा थोड़ा आगे लाओ, एटलीस्ट मेक इट 12 AM एंड ट्राई टू स्लीप ऑन 12 AM एग्जैक्टली। ओके, जस्ट ट्राई टू स्लीप ऑन 12 AM डेली। उस टाइम को बिल्कुल भी आप डाइवर्ट मत होने दीजिए एंड आप बस प्लान करके रखिए कि मुझे 12 बजे सोना है तो सोना है किसी भी हालत में। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि स्विच ऑफ योर फ़ोन बिफोर 1 आवर ऑफ योर स्लीप। अगर आप 11 बजे सो रहे हो, 10 बजे आपका फ़ोन या कोई भी ब्लू लाइट, लैपटॉप्स, टीवी, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर स्लीप एंड योर माइंड वेरी बैडली। एंड जस्ट डू एनीथिंग, लाइक यू कैन मेडिटेट, यू कैन जस्ट लिसन म्यूजिक, यू कैन रीड अ बुक, कुछ भी करिए, बट सोने के 1 घंटे पहले सब कुछ बंद कर दीजिए। नाउ द फोर्थ थिंग इज़ Try to wake up early. Wake up with the sunrise. Yes, or at least 1 hour within it. And just after waking up, go into the sun. Or at least, अगर आप lockdown में कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो just sit outside your window and look outside and look at the sun and just, you know, breathe and just connect with nature for a few moments there. Because you know what, your circadian rhythm actually gets restarted in the morning and restarts with the natural light. So please provide your body with the natural light as a very first task in the morning. Now the fifth point is no phones after 1 hour of waking up. अगर आप उठ गए हो तो please try करो कि आप उसके next 1 hour तक phone बिल्कुल भी use ना करो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप workout कर सकते हो, exercise कर सकते हो, walk पे जा सकते हो, कुछ भी करिए, but please don't take your phone and don't give that blue light straight to yourself in the very morning. Now the seventh point is that don't have your coffee and tea in the very morning. मतलब जब आप उठ रहे हो तो एटलीस्ट 2 या 3 घंटे का गैप होना चाहिए अगर आप कॉफ़ी या टी लेते हो, क्योंकि बहुत लोगों का भी आदत है स्पेसिफिकली यहाँ इंडिया में कि उठते ही बस चाय चाहिए होती है या कॉफ़ी चाहिए होती है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जब आप सो के उठते हो, आपका कॉर्टिसोल लेवल वैसे ही हाई होता है एंड अगर आप कॉफ़ी और चाय भी पी लोगे तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड एज आई ऑलवेज से, यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस फॉर एवरीथिंग इन योर बॉडी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप कॉफ़ी और टी एकदम से ना लो एंड have it at least 2-3 hours of your waking up.
नाउ मूविंग ऑन टू द 8th पॉइंट, दैट इज हैव योर मैक्सिमम कैलोरीज एंड मैक्सिमम न्यूट्रिशन इन द ब्रेकफास्ट, बिकॉज एज आई सेड दैट योर डाइजेस्ट सिस्टम जस्ट गेट्स रीस्टार्टेड एंड इट इज एट इट्स पीक. यस, आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज होता है क्योंकि आपका डाइजेस्ट सिस्टम जस्ट स्टार्ट ही हुआ होता है, तो आप जो भी न्यूट्रिशियस फूड लोगे उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एंड बहुत ही अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब होगा आपकी बॉडी में. सो प्लीज़ ट्राई टू हैव योर गुड एंड द बेस्ट मील ऑफ द डे एज अ ब्रेकफास्ट. एंड द 9th पॉइंट इज कि लंच भी जो है वो आपका हैवी होना चाहिए. आई मीन ट्राई टू हैव द हैवी थिंग्स फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू लंच ओनली, बिकॉज उस टाइम पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यू नो अच्छे स्पीड पे होता है एंड कुछ भी चीज़ को आप डाइजेस्ट बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर सकते हो. जैसे ही दिन आपका निकल रहा होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने लग जाता है थोड़ा एंड आपका मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा गिरने लगता है, बट यू नो अराउंड 5 to 6 PM अगेन योर डाइजेस्ट सिस्टम इज एट इट्स पीक एंड ट्राई टू हैव योर डिनर एट दैट टाइम, बट ऑल्सो ट्राई टू कीप इट वेरी लाइट बिकॉज उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लो होने वाला है, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा लो होने वाला है एंड दैट टाइम डाइजेशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए सब लोग कहते हैं कि आपको डिनर थोड़ा लाइट करना चाहिए एंड थोड़ा कम क्वांटिटी में करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग दैट प्लीज़ ट्राई टू कीप टाइमिंग्स फॉर ऑल दीज टास्क सेम फॉर ऑल द 5 days, एटलीस्ट 5 days यू नीड टू फॉलो दिस एंड ट्राई करो आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ नॉर्मली एक ही टाइम पे हो, बिल्कुल डेविएट ना हो कि चलो आज तो डिनर 5 बजे कर लिया है अब कल डिनर हम 8 बजे कर रहे हैं, तो ये आई मीन इट वॉन्ट वर्क. सो ट्राई टू कीप अस सिंक, देन ओनली अवर होल इंटरनल क्लॉक विल गेट इन सिंक एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प टू इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल एंड स्लीप टाइमिंग्स. या एंड इनफैक्ट अगर आप वर्कआउट भी करते हो या कुछ भी आपकी एक्टिविटीज़ कर रहे हो ट्राई करो कि वो आप रोज़ सेम टाइम पे करते हो, बिकॉज आपका माइंड आपकी बॉडी जितना ज़्यादा सिंक में रहेंगे जितना ज़्यादा रेगुलरली वो सेम काम को करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए आपके इमोशंस के लिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा. सो बेसिकली जस्ट लेट बॉडीज इंटेलिजेंस वर्क एंड डोंट मेक अ क्योर्स विद योर बॉडी एंड लेट इट गो विद द फ्लो ऑफ नेचर एंड जस्ट पुट सम एफर्ट. आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा और सिर्फ 5 days की बात है एंड ट्रस्ट में अगर आप 5 days ये पूरा प्रॉपर फॉलो करते हो टिप्स को आपकी स्लीप टाइमिंग बहुत ही इजीली इंप्रूव हो जाएगी एंड आपके लिए स्लीप साइकिल भी बहुत अच्छी हो जाएगी एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू सी एन अमेजिंग अमेजिंग चेंज इन योर लाइफस्टाइल इन योर हेल्थ एंड इन योर स्लीपिंग साइकिल. वन मोर थिंग, टू फॉलो दीज स्टेप्स आपको कुछ ज़्यादा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आपको जो करना है वो है सिर्फ मैनेज योर टाइमिंग्स. क्योंकि जब मैं किसी को बताती हूँ कि मैं 9 और 9:30 के बीच में सो जाती हूँ तो मुझे लोग मोस्टली ये कहते हैं कि हाउ डू यू गेट टाइम फॉर अदर थिंग्स फॉर योर फैमिली फॉर यू नो चिलिंग मूवीज एंड ऑल. तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अपना टाइमिंग्स मैनेज रखोगे जैसा मैंने कहा कि आपको डिनर अर्ली करना है, तो अगर आप डिनर 6 या 7 बजे कर लेते हो एंड आप सोने जाते हो 10 या फिर 10:30 बजे तो भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है. इस टाइम में आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप मूवी देखिए, नेटफ्लिक्स देखिए, जो देखना देखिए. सो ये सिर्फ एक एग्जांपल था जो मैं बता रही हूँ. इन दिस वे यू कैन जस्ट मैनेज योर टाइमिंग्स, मेक अ शेड्यूल फॉर एटलीस्ट 5 days एंड जस्ट लेट मी नो हाउ डू यू फील. ऑल्सो अगर आप ये फॉलो करते हो देन प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको कैसा फील हुआ. एंड येस, वन मोर थिंग दैट रिगार्डिंग टू स्लीप हेल्थ फिटनेस एनी थिंग, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ जस्ट रीच आउट टू मी डायरेक्टली. आई रियली लव टू हेल्प यू ऑल गाइड. आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट एंड फाउंड इट सम वॉट इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर लव. लव यू ऑल, टेक केयर.